तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज का जो मीटिंग हुआ और इसमें क्या क्या बातें हुआ थ्रू योर चैनल मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग टीम इसका में हमारे साथ यहाँ का लोकल स्थानीय विधायक हमारे ऑनरेबल MLA टापू जी, साथ में हमारा ऑनरेबल MLA 9 चैन का जो हरी मंत्री जी, और हमारा PHE का सेक्रेटरी रिंचिंग काशी जी, और हमारा चीफ इंजीनियर PHE, हम लोगों ने पूरा आज एक्चुअल ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड में क्या है और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में काफ़ी गाली गोला, काफ़ी जिस प्रकार से जो चल रहा है इस कमिंग को लेकर, ये वाटर सप्लाई को लेकर काफ़ी प्लेटफॉर्म में चल रहा है और कुछ लोग आंसन भी कर रहा है, तो उसके लिए मैंने, हम लोगों ने टीम बनाकर आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पूरा देखा एक्चुअल क्या, एग्जिट क्या है। साइंस डिपार्टमेंट ने जो काम किया और जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, जिसमें से कहीं सोशल मीडिया में कुछ तो करप्शन है वो है लिख रहा है, ऐसा कुछ कहीं इसमें इस प्रकार का करप्शन वगैरह तो बिल्कुल नहीं है, और गवर्नमेंट का जो फंड है जुडिशियसली डिपार्टमेंट ने भी यूज़ किया है, और अभी वहाँ में मच्छा नाला में कभी कभी लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होने में मच्छा नाला को कभी ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाने में क्या क्या पब्लिक को दिक्कत होगा बोल के डिपार्टमेंट ने एक अल्टरनेटिव एक टैंकी भी बनाया, जिसमें से वो पानी भी टैंकी में इंटेक्ट में इंजेक्ट किया हुआ है, वो भी हमने देख के आया। हाँ जरूर एक समस्या है, आप लोगों ने अभी भी आपका सामने वो चिल्ला रहा है कि सफा पानी चाहिए, सफा पानी चाहिए, ये कूची नाला जो है 1970 को बनाया, दोस्त देश CPWD जो है अरुणाचल प्रदेश में वर्क डिपार्टमेंट का हिसाब से लोग अदर करता था, CPWD 1970 इतना माइग्रेशन हर सर्कल से जो माइग्रेट कर करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आते आते आदमी बढ़ते गया, तो हैबिटेंट जो नाला का किनार किनार में आदमी बैठते 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 कम से कम वहाँ गाँव बस गया, गाँव बसने के बाद ऊपर वाला घर गाँव वाला घर वाला ने कुछ कुछ गंदगी वो डायरेक्ट नाला से घुस के वो टेंकी में घुस जाता है, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने क्या किया अल्टरनेटिव एक टेंकी बनाया बहुत बड़ा, उसको भी मैंने देख किया है, आप लोगों भी शायद आज मेरा साथ था पूरा मीडिया, तो वहाँ में उससे वो गंदा टेंकी में पानी नहीं घुसने के लिए डायरेक्ट सफा पानी पिलाने के लिए 2 पाइप 150 mm का 2 पाइप वहाँ से टेप किया, टेप करने के बाद वो डायरेक्ट इंजेक्ट करने के लिए पाइप में, और इस साइड में आपका ट्रांसपोर्ट कॉलोनी में 1 पाइप और LC लाइन में 1 पाइप वो डालने के लिए वो पाइप को आधा तक लाइन करने दिया, जहाँ जहाँ घर बैठा हुआ है वहाँ में लाइन करने के लिए पब्लिक डिमांड में था कि सेपा वाले को गंदा पानी मिल रहा है, तो आपको पाइप लाइन करने नहीं दिया, पाइप लाइन करने नहीं देने का वजह डिपार्टमेंट ने इंटेक भी बना के रखा है, पाइप भी आधा लाइन करके रखा हुआ है, तो इसलिए कुछ गंदा पानी तो जरूर टेंकी में 1970 का टेंकी में इनहेबिटेंट होने के बाद, आदमी वहाँ बैठने के बाद ज़्यादा हैबिटेंट के बाद में वहाँ गंदा पानी तो जरूर जाता टेंकी में जाता, ये कमिटी है जो अभी जो यूथ लोग को भी बोला कि चिल्लाने से अच्छा, कंडेम करने से अच्छा कमिटी में घुस जाइए, हमारा इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी CDO है, हाँ जितने भी CDO है, ASCO है, XU है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ देते हुए, हम सब विधायक को साथ देते हुए अभी कमिटी में घुसिए, आप पाइप लाइन करने दीजिए, उसको घर मालिक को मना कीजिए साथ में, वो नहीं करके ब्लेम में बेमतलब का फेसबुक का आपका व्हाट्सएप का माध्यम सोशल मीडिया का माध्यम ब्लेमबाजी करते रहने से नहीं हुआ, समाधान तो ग्राउंड में करना होगा, हम सोशल मीडिया में समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना। नहीं उसके लिए देखिए जो अटैक किया उसको वो कोर्ट का अंडर में है, केस चल रहा है, उसके लिए इंक्वायरी चल रहा है, हाँ और इस प्रकार का जो ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए मेरा तरफ से भी, क्योंकि ये अटैक भी वो अटैक अच्छा नहीं किया, लेकिन उसको अटैक किया भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको माने इंक्वायरी कर रहा है, वो कोर्ट का अंडर में है, हाँ तो अरेस्ट भी किया हुआ है,
तो उसके लिए केस गवर्नमेंट का जुडिशरी का तरफ से जो कार्रवाई करना वो कर रहा है। सर, ऑगमेंटेशन ऑर्डर प्लान का भी आपने मेंशन किया था कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो ऑलमोस्ट सेवा टाउनशिप के लोगों को जो पोर्टेबल पानी का इशू हो रहा है वो नहीं होगा। तो सर, हम मेक श्योर करेंगे कि विद इन 6 मंथ जो आपने कहा है और सेक्रेटरी सर ने भी मेंशन किया था, वो कंप्लीट किया जाएगा विदाउट, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है एश्योरेंस दिया जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट देखिए, कंप्लीट करने के लिए उसे पहले भी हो सकता है, लेकिन हमारा पब्लिक लोग समझे ना, पब्लिक कोऑपरेट करना होगा। अब सरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी बोले पब्लिक साथ नहीं देगा, सरकार क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर पाएगा। अभी कॉलोनी में पानी पूरा सोर्स पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन कॉलोनी में पाइप को लेके लाइन करने नहीं दे रहा है, मेरा घर का बगल क्यों पाइप जाना है। इस प्रकार का वजह से जो आज का जो समस्या जो निकला है, हाँ, तो हमको पूरा विश्वास है। डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया या स्थानीय विधायक को, सब मिलकर एक कमेटी गठन करके इसके लिए स्पेशली पाइप लेइंग के लिए और ये पानी को 1 महीना का अंदर कुची नाला को साफ पानी सप्लाई करने के लिए 1 महीना का अंदर एक कमेटी गठन करेंगे और ये जरूर ये समस्या का समाधान हल होगा। सर, एक सवाल रखना चाहूँगी सेक्रेटरी सर से, सेक्रेटरी पीएचई से। सर, पीएचई के अंदर में ये रूरल के अंदर जो ओपन डेफिकेशन के अंदर में जो रूरल एरिया में टॉयलेट्स बनाने के लिए प्रोविजन था, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता लगा कि इस कमी को भी ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया था। वेरस आज के दिन में हम अरुणाचल जुड़ी थी, हम भी जो कोचिंग नाला से नाना नाला होते हैं वो अभी तक हम गए थे, हमने देखा कि वहाँ पे जितने भी नियर रिवर बैंक रह रहे वहाँ में किसी का भी टॉयलेट है लेकिन सभी टाइप नहीं है, वो डायरेक्ट नदी पे ही कनेक्ट है। तो उसके लिए इनिशिएटिव किस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, लेकिन डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा इसको लेकर। तो यू एज अ सेक्रेटरी सर, आप इस पर क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2014 से 19 तक था उनका पीरियड, वरेस हमारा स्टेट में जन आंदोलन के रूप में सरकार ने इतना मदद किया, तो अब फंड सेंटर से हम लोगों को 12,000 पर यूनिट मिलते आई एच एल के लिए, लेकिन टू एनकरेज आवर पीपल, बिकॉज आवर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, एज यू नो द इकोनॉमिक कंडीशंस, जस्ट टू कंस्ट्रक्ट ए टॉयलेट फॉर डेम 12,000 इज नॉट सफिशियंट, बिकॉज इतना दूर दराज इलाका है, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स का ही इतना कॉस्टली हो जाता है। तो हमारा सरकार ने लोगों का भले के लिए 8,000 तो आप करके 20,000 पर यूनिट कॉस्ट दिया गया जी, उसका चलते लोग को इतना इंकरेज हुआ, जन आंदोलन का तौर पर वो चला और बाई 31 दिसंबर 2017 में हमारा स्टेट ODF अटेंड किया, ओपन एजुकेशन फ्री स्टेटस अटेंड किया, दिट इज़ पार्ट ऑफ द SPMG 1। उसके बाद में SPMG 2 हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका अनाउंस किया है। SPMG 2 में ये था कि टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ ODF सस्टेन करना, क्योंकि ODF IHL तो बना लेते हैं लेकिन टू सस्टेन द यूटिलिटी ऑफ द IHL इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो SPMG 2 में उसको सस्टेन कराना है, देन प्लस सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो ग्रे वाटर निकलते हैं आपका वॉशरूम से किचन से उनको भी ध्यान देना है, और देन आपका जो ब्लैक वाटर है सेप्टिक टैंक उसको भी ध्यान देना है। तो SPMG 1 में IHL का था, तो हम लोग ने पूरा अचीव किया 100% ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस अटेंड किया। SPMG 2 में इसमें सस्टेन करना है IHL को, देन प्लस सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी ध्यान देना है, लेकिन साथ साथ में क्योंकि हमारा सोसाइटी ग्रोइंग सोसाइटी है, हर साल हमारा देखिए फैमिली बढ़ता है, तो न्यूली इमर्ज हाउस होल्ड जो भी नया हाउस होल्ड उभर के आएंगे, क्योंकि फैमिली सेपरेशन होता है, नया घर बनता है तो नया घर मतलब उभर के आता है, तो फॉर दोस न्यूली इमर्ज हाउस होल्ड ऑल्सो IHLs आर बीइंग प्रोवाइडेड। अभी उसके लिए हम लोग हमेशा ऑन एवरी ईयर आवर एनुअल इम्प्लीमेंटिंग प्लान बनता है, तो उससे पहले हम लोग जो हमारा अपना डिविजन्स है, वी हैव 30 डिविजन्स PHC का और अक्रॉस द स्टेट, तो हम लोग डिविजन से उनको बोलते हैं कि इस बार न्यूली इमर्ज हाउस होल्ड का क्या डाटा है, हम लोग मंगाते हैं, उसी हिसाब से हम लोग AIP में उनको प्रोजेक्ट करते हैं और हमारा मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेते हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग फॉर न्यूली इमर्ज हाउस होल्ड ऑल्सो, देयर शुड बी नो वन हाउस होल्ड लेफ्ट बिहाइंड विदाउट IHL।
दिस इज द ऑब्जेक्टिव। और हम लोग अभी सपोज आपने देखा होगा, माइट बी ये जो अभी जो आईएचएल नहीं है, आपने जो बोल रहा है शायद अभी जो न्यूली जो अब एआईपी होगा उसमें शायद प्रोजेक्ट भी किया होगा, देट हैज टू बी वेरी गुड। कल कमेटी, कल कमेटी बैठेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये विधायक जी रहेगा। और कल सर ये छात्रों डिमांड के बारे में करा बताएंगे, क्योंकि छात्रों डिमांड ये था कि टीसी से पर ट्रांसफर होना है, उसके बाद जो आपका ई जो है जो एक्शन है उसका जो है मतलब परमानेंट उसका जो है या पोस्टिंग होना है, उसका मेन छात्रों डिमांड उसका एस आई टी जो है गठन करना है, इस बारे में आप देखिए अभी हमारा सरकार के तरफ से फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी गठन करेंगे हम लोग। आप कोई भी आदमी, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बोल देगा ट्रांसफ़र कर दो, वो ट्रांसफ़र करने का भी रीज़न को भी तो हम पहले कमेटी गठन करके इंक्वायरी करना होगा, ये सही में क्या है, गलती है ना सही है। जब तक हम कमेटी से वो रिपोर्ट नहीं मिलेगा, कमेटी गठन करके इंक्वायरी कमेटी से रिपोर्ट नहीं मिलेगा, पटन से कैसे ट्रांसफर कर देगा। इसलिए मैंने तो उसको रिक्वेस्ट किया, मेरे भाई मेरे पास आइए, हम लोग चारों सपा का विधायक हम लोग बात करेंगे जो भी है, उसको तो रिक्वेस्ट किया। अभी भी मैं जा रहा हूँ कल ईटानगर, उसको बोलिए हमको मिलने के लिए, क्या क्या इशू से अंदर बैठ के हम लोग टेबल में राउंड टेबल में बैठ के हम बात करेंगे। हम तो बोलेगा हंगर स्ट्रिक करके क्या है, इसी प्रकार समस्या अभी मुझे एश्योरेंस दिया, पानी का समस्या हुई तो एक महीना का अंदर ठीक कर देगा बता दिया, और क्या एश्योरेंस चाहिए। सवाल ये कि हर बार क्यों धरना के बाद कोई सपा पानी को लेकर सोल्ड और निकालने के बाद क्यों आपकी जो यहाँ डिपार्टमेंट क्यों इस चीज़ को पहले ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अरे वो अभी जो आप लोग अभी साथ में नहीं गए, जो पुराना टेंकी वाला 1970 वाला उसका ऊपर में जो घर बनाया हैबिटेंट जो हुआ वो तो अभी 1.5 साल हुआ है, घर बनाने वाला गांव बसने वाला अभी तो कुछ कुछ जगह तो माटी खाद रहा था, आप लोग तो देखा होंगे, आप लोग कैप्चर किया कि नहीं किया, जेसीबी भी तो करा था वो नया घर, उससे पहले तो नहीं था ना। और पानी का इशू तो सर बहुत पुराना है, उसको तो आपको मालूम है। नहीं पान उसमें कोई अभी जो रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि सपा पानी चाहिए बोला, वो मैंने आज जाकर देखा है वो बहुत सही है, दो साल हुआ जो आदमी वहाँ में घर बनाया हुआ है, गांव बासिया जिस समय में वहाँ तो पूरा जंगल था, खेती कर रहा है वहाँ में। मच्छा का प्रोजेक्ट जो 12-13 का है लेकिन अभी 6-7 साल हो गया, अभी तक फिल्ट्रेशन मशीन को क्यों नहीं बनाया गया, अभी हम बोल रहा है कि अभी बनाएंगे। नहीं फिल्टर मशीन तो बन रहा है, लास्ट टाइम भी बनाया था, वो कुछ टेक्निकल कारण से नहीं हुआ, अभी इस बार कलकत्ता का कोई पार्टी को अवार्ड भी किया, वो अभी कुछ दिन के बाद में कुछ महीना के बाद वो आ रहा है उसको इंस्टॉल करने के लिए, कुछ टेक्निकल थैंक यू नहीं, इसलिए अभी खबर मिला है जो धरना हुआ प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ने ये एग्जैक्ट चीज क्या है इसलिए तो आकर यहाँ मीटिंग किया, उसको विजिट किया साइट में, हाँ गाँव में लोग फॉलो इसलिए तो आया है। मैं तो वही मैसेज दूंगा कि भाई छोड़िए, कुछ समस्या है तो अनशन से समाधान नहीं होगा, सरकार का पास आइए, सरकार ने बुला रहा है, मैं बुला रहा हूँ, अब मेरा पास आइए और हमारे साथ बेटी है,
क्या समस्या हम लोग बैठ के एक साथ सब हल करेंगे। क्या मैं उसमें देखिए इसमें लाई बोंग में उसमें दो फेस में सरकार ने पैसा दिया है 30 करोड़ वो आई टी सेंक्शन 2016-17 को हम लोग पूरा विधायक जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल सीएम को कि ये एबंडन ये करब हो रहा है नया एक प्रोजेक्ट देना है पानी का कल को फ्यूचर में इस कमिंग के लिए कम हो सकता है तो आरआईडीएफ का स्कीम का तहत 30 करोड़ का सेंक्शन हुआ है जिसमें से 15 करोड़ का पाइप लाइनिंग करने में इंटेक बनाने में सरकार ने पैसा दिया वो खर्च करने के बाद फिर 15 करोड़ अनदर वो रिलीज़ किया कि यह मैं आपको जो फिल्ट्रेशन प्लांट बिताने का और वहाँ से सप्लाई करने का पाइप लाइनिंग करने का वो काम आई थिंक 6-7 महीना का अंदर मेरे हिसाब से साल भर का 6-7 मंथ का अंदर में ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है कुछ नहीं है जो गवर्नमेंट पैसा दे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और 12 किलोमीटर आपको पता नहीं है 12 किलोमीटर से पानी लाया लाई से देखिए कहने के लिए बहुत कुछ कह देगा एक्टिविस्ट तो क्या क्या नहीं कह देगा हाँ तो इसलिए वो एग्जैक्ट ग्राउंड में जाकर देखना है। ठीक है थैंक यू। हाँ डिमांड वही तो सॉल्व किया अभी तो एक महीना का अंदर शुद्ध पानी देगा बोला वही तो है। आप लोग प्रेस वाला को एक चीज जानना है व्हाट रो वाटर विदाउट टर्बिडिटी हाँ बिना टर्बिडिटी का अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में ट्रीटेड वाटर जो फिल्ट्रेस प्लान है इट इज न्यू कॉन्सेप्ट नॉट ओनली सेप्पा 10 साल पहले ईटानगर में भी ट्रीटेड वाटर नहीं था तो अभी जो ट्रीटमेंट प्लान जो बन रहा है फिल्टर प्लान जो बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है ठीक है बोथ द ये मचा एंड लाइबो ये जो पुराना हम लोग का जो इंटेक जो बना के रखा है वो 70s का बार बार बता रहा है तो जो 70 से जो जा रहा है रो वाटर इज बीइंग प्रोवाइडेड बट लिटल टर्बिडिटी इज देयर ओनली बिकॉज वो रेनी लैंडस्लाइड कुछ कुछ है उसको आपको समझना है। थैंक यू थैंक यू।